नमस्कार दोस्तों, मैं विजय, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज मेरे साथ ये जो गाड़ी है बजाज कंपनी का, अभी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ बजाज पल्सर P150, ऐसा इस बाइक का नाम है। इस बाइक में क्या क्या फीचर दिए गए, माइलेज कितना है, इंजन स्पेसिफिकेशन क्या है, और ये गाड़ी का कीमत जो है एक शोरूम कीमत कितना है, वो भी हम आगे वीडियो में देखने वाले। तो आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो बाइक है ये बजाज कंपनी ने हाल ही में लॉन्च की है, पल्सर P150 ऐसा इस बाइक का नाम है। सबसे पहले आपको इस बाइक में कौन कौन से कलर मिलते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर और बहुत सारे कलर ऑप्शन में ये जो बाइक है ये शोरूम में अवेलेबल है। उसी के बाद इस बाइक में वेरिएंट बोले तो वेरिएंट जो है वो सिंगल डिस्क एंड डबल डिस्क, ऐसे दो वेरिएंट में ये जो बाइक है वो शोरूम को अवेलेबल भी है। और अभी हम फ्रंट से चालू करते हैं, उससे पहले मैं आपको इस बाइक की दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार की आपको गाड़ी की मिलती है और दो बेसिक ऐसी की जो कंपनी ने गाड़ी के साथ दी है। यहाँ पे बजाज की बैजिंग भी आपको देखने को मिलेगी। अब चलते हैं गाड़ी के फ्रंट की तरफ। और यहाँ पे मिरर की क्वालिटी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिरर यहाँ पे बाइक में दिए गए है। उसी के साथ यहाँ पे एक वाइज़र भी मिलता है, वो भी काफ़ी अच्छा है दिखने में। उसी के साथ उसके नीचे एक नंबर प्लेट लगाने के लिए कंपनी ने जगह दी गई। साइड में इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर जो है वो हेलोजन में ही दिए गए। उसके बाद हेडलाइट का सेटअप देखा जाए तो हेडलाइट जो है इस बाइक में आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है तो कंपनी ने दिए गए। और यहाँ पे आपको DRL मिलते हैं जो कि LED में। उसके बाद जो मडगार्ड फेंडर बोलते हैं वो ड्यूअल टोन कलर में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सस्पेंशन जो है फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है बाइक में। और यहाँ पे ABS की बैजिंग भी आपको देखने को मिलेगी। इस बाइक में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में भी डिस्क ब्रेक दिया है। उसके बाद ब्रेकिंग की बात करें तो इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है जो कि फ्रंट व्हील में ही काम करता है। डिस्क कैलिपर भी काफ़ी अच्छी कंपनी के दिए गए। टायर साइज देखा जाए तो 17 इंच के टायर जो है वो यहाँ पे दिए गए फ्रंट और रियर दोनों में। MRF कंपनी के टायर जो है इस बाइक में यूज किए। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंजन कॉल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंजन पे बजाज की बैजिंग भी। और कुछ बाइक में आपको इस सेगमेंट में किक नहीं मिलती, पर बजाज कंपनी ने इस पल्सर P150 में किक का ऑप्शन भी दिया गया है। अभी चलते हैं उस साइड की तरफ। दोस्तों, इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। आप सिटी में भी इस बाइक को यूज़ कर सकते हैं और गांव में भी इस बाइक को काफ़ी अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी में आपको साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड दोनों दिया गया है। यहाँ पर भी इस साइड बजाज की बैजिंग आपको देखने मिले। और सेफ्टी क्रैश गार्ड भी कंपनी ने यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, गाड़ी का जो कर्व वेट है वो 140 किलो इतना है। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है। और सीट हाइट देखा जाए तो 790 mm इतना है। और व्हील बेस भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, 1352 mm इतना गाड़ी का व्हील बेस है। उसके बाद दोस्तों, फ्यूल टैंक के ऊपर आपको पल्सर की क्रोम में बैजिंग देखने को मिलेगी। और इस बाइक का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखा जाए तो 14 लीटर का फ्यूल टैंक कंपनी ने ये बाइक में दिया है। और माइलेज जो है इस बाइक का अराउंड 45 to 50 km इतना माइलेज आपको मिल सकता है। और माइलेज जो है दोस्तों, वो आप गाड़ी कैसे चलाते हो उसके ऊपर डिपेंड होता है। और इस बाइक में गियरबॉक्स जो है वो 5-speed गियरबॉक्स दिए गए। फर्स्ट गियर जो है वो नीचे, बाकी के 4 जो है ऊपर की तरफ है। पे क्या फुटरेस्ट की क्वालिटी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी, एल्युमिनियम फिनिश में आपको फुटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। सारी गार्ड भी यहाँ पे दिया हुआ है। और सीट के बाजू में ही आपको P150 की ग्राफिक्स और स्टिकर जो है वो दिखाई देते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं। सीट ऑप्शन जो है इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट ऑप्शन मिलता है। सीट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, ठीक ठाक है। आप दो व्यक्ति जो है कंफर्टेबल इस बाइक पर बैठ के राइड जो है वो कर सकते हैं। ग्रैब हैंडल जो है वो स्प्लिट ग्रैब हैंडल मिलते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ। रियर का रुक आपको ऐसे दिखाई देता है। और पीछे का टेल लाइट का डिज़ाइन जो आपको पता है कि टेल लाइट का डिज़ाइन कैसा आता है। उसी के साथ उसके नीचे नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह दी गई है। और वहाँ पे एक रिफ्लेक्टर भी आपको देखने को मिलेगा। और इंडिकेटर जो है आपको हेलोजन में ही मिलते। गाड़ी का इस साइड का लुक अगर देखेंगे तो यहाँ पर इस साइड को भी आपको पल्सर P150 का ग्राफिक्स भी देखने को मिला। और काफ़ी जगह आपको ग्राफिक्स बहुत सारे देखने को मिलेगा बाइक के ऊपर, वो भी काफ़ी अच्छा दिखता है बाइक के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे पीछे का भी टायर साइज सेम है, 17 इंच का टायर पीछे भी दिया गया है जो कि MRF कंपनी का आता है। और पहले आपने देखा होगा पल्सर सीरीज में साइलेंसर जो है वो साइड में आता था, अभी इस बाइक में कंपनी ने नीचे की तरफ साइलेंसर जो है वो दिया गया है। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर कंपनी ने दिया गया है। सस्पेंशन पीछे का देखा जाए तो यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन जो है पीछे की तरफ मिलता है। उसके बाद दोस्तों, इस बाइक में आपको किक भी देखने को मिलेगा। अब चलते हैं इंजन की तरफ। इंजन कौन सा यूज़ किया है वो मैं आपको बताता हूँ। इंजन स्पेसिफिकेशन इस बाइक का देखा जाए तो 149.68 cc का इंजन इस बाइक में दिया गया। और इस इंजन की मैक्सिमम पावर जो है वो 14.5 PS है।
8500 आरपीएम तक। और ये जो इंजन है ये मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 13.5 न्यूटन मीटर 6000 आरपीएम तक। और इंजन भी काफ़ी रिफाइंड है, यहाँ पे आपको बजाज की बैजिंग भी देखने को मिलेगी और सेफ्टी क्रैश गार्ड भी कंपनी की तरफ से दिया गया है। और यहाँ पे भी ग्राफिक्स काफ़ी अच्छा किया है, पल्सर का क्रोम में बैजिंग आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अब हैंडल बार के स्विचेस और कंट्रोल कौन कौन से दिए वो हम देखते हैं। यहाँ पे फ्रंट का ब्रेक लीवर भी काफ़ी अच्छा दिया गया है और स्मूथ है। एक्सेलेटर लीवर जो है उसकी काफ़ी ग्रिप अच्छी दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच मिलता है, सेल्फ स्टार्ट अगर गाड़ी चालू करनी हो तो सेल्फ स्टार्ट का स्विच जो है यहाँ दिया गया है। उसके बाद हैंडल बार जो है क्लिप ऑन हैंडल बार आपको मिलता है। और एक अच्छा फीचर कंपनी ने ऐड किया है, यहाँ पे आप मोबाइल चार्जिंग जो पोर्ट है वो यहाँ पे दिया गया है, इसके वजह से आप अपना मोबाइल जो है गाड़ी चलाते समय चार्ज भी कर सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड में स्विचेज जो है वो यहाँ पे दिए गए, हेडलाइट ऑन ऑफ का स्विच जो है वो यहाँ है। उसके बाद पास लाइट का स्विच आगे दिया गया है, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर जो है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। और गाड़ी का हॉर्न का आवाज़ सुनना है तो हम अभी मैं सुना देता हूँ, और हॉर्न का स्विच जो है वो नीचे की तरफ दिया गया है। गाड़ी का हॉर्न भी काफ़ी अच्छा और लाउड दिया गया है। अब चलते हैं स्पीडोमीटर की तरफ और स्पीडोमीटर में क्या क्या फीचर दिए गए वो देखते हैं। एक बार मैं चालू करके दिखाता हूँ, ये फुल स्वाइप होता है, जैसे कि N250 बाइक में स्पीडोमीटर था वैसे ही दिया गया है। साइड स्टैंड इंडिकेटर आपको यहाँ पे शो गए, बाकी सब वार्निंग इंडिकेटर जो है वो आपको यहाँ पे शो होंगे। लेफ्ट एंड राइट का इंडिकेटर अगर आपने दिया हो तो यहाँ दोनों तरफ शो होगा। आरपीएम लिमिट का इंडिकेटर है, एबीएस का साइन है, न्यूट्रल का इंडिकेटर यहाँ दिया गया है। सेंटर में आपको आरपीएम मीटर मिलता है, बजाज की बैजिंग दी गई। और इस एमआईडी पे आपको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, गियर पोजीशन इंडिकेटर दिया गया है, डिजिटल स्पीड आपको यहाँ पे दिखाई देगा, फ्यूल गेज जो है वो राइट साइड में दिया गया है, डिजिटल टाइम भी आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे आप सेलेक्ट का स्विच दबाएंगे तो आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी शो होगी, और मोड का स्विच प्रेस करेंगे तो आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी मतलब कितने किलोमीटर तक आपकी गाड़ी जो है वो जा सकती है, डिस्टेंस टू एम्प्टी का फीचर भी इस बाइक में आपको दे दिया है कंपनी ने। डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसा फीचर जो है इस बाइक में भी आपको अभी मिलने लगा है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद मोड जो स्विच है उसको और प्रेस करने के बाद आपको ओडोमीटर मतलब गाड़ी का किलोमीटर कितना वो शो होगा, ट्रिप ए ट्रिप टू कितना आपने किया वो भी शो होगा। और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको इस डिस्प्ले पे देखने को मिलता है, और ओवरऑल गाड़ी का लुक भी काफ़ी अच्छा है, और आप देख सकते हैं ओवरऑल गाड़ी जो है वो देखने में कैसी लगती। अब चलते हैं दोस्तों इस बाइक का हम प्राइस पुणे में कितना है वो मैं आपको बताता हूँ। और इस बाइक में आपको लोन ऑफर फाइनेंस ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप शोरूम में विजिट कर सकते हैं। और आपको पुणे से ये बाइक लेना होगा तो आप साई सर्विस वाकड़ेवाड़ी पुणे इस शोरूम को जरूर से विजिट कर सकते हो, गाड़ी का टेस्ट राइड ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा बजाज कंपनी का पल्सर P150, ये जो बाइक है ये हाल ही में लॉन्च हुआ था। और इस गाड़ी के बारे में आज की वीडियो में हमने देखा गाड़ी में फीचर्स क्या क्या दिए गए, इंजन स्पेसिफिकेशन क्या है, माइलेज कितना है, और इस गाड़ी का पुणे या पिंपरी चिंचवड एरिया में का एक शोरूम कीमत देखा जाए तो जो सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट है उसका कीमत 1,16,000 रुपये इतना है, और आप डबल डिस्क वेरिएंट लेते हैं तो उसका जो कीमत है वो 1,19,302 रुपीज इतना है। और दोस्तों ये जो वीडियो में मैंने एक शोरूम प्राइस बताई है, अगर आपने ये वीडियो कुछ दिनों के बाद देखा तो कीमत बदल भी सकती है, या आपके शहर में जो बजाज का शोरूम है उसमें कुछ अलग हो सकती है, तो आप अपने शहर में जो बजाज का शोरूम है वहाँ जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये बजाज पल्सर P150 का वीडियो कैसे लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, और चैनल पे नए हो तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नई बाइक के साथ नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।